नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले और इसके बाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों, खास करके तमिलनाडु में पेरियार का बड़ा ही गहरा असर रहा है। दक्षिण भारतीय लोग उनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी का न केवल सांस्कृतिक बल्कि तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर भी असर रहा है कि चाहे कम्युनिस्ट हो या दलित आंदोलन से जुड़े लोग, सब उनसे प्रभावित रहे हैं। तमिल राष्ट्रभक्त से लेकर नास्तिकों, तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले भी इनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों व कार्यों का हवाला देते हैं और उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। तर्कवादी नास्तिक और वंचितों के हित में बोलने व कार्य करने के कारण उनकी सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं। इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर जी का जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ था और इनका परिनिर्वाण 24 दिसंबर 1973 को हुआ था। इसी बीच में इनका जीवन काल रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रसिद्धियां रही हैं हमारे देश में, पर उनके हम आज आप लोगों को वो विवादित सवाल बताते हैं जिन पर हमेशा से ही पाखंडवादियों की नाक चढ़ी हुई रहती है। उन सवालों से हमेशा से ही पाखंडवादियों के सीने में दर्द होता रहता है। आइए देखते हैं महान तर्कशील, नास्तिक और समाज सुधारक पेरियार के द्वारा ईश्वर से क्या क्या सवाल किए गए हैं। हालांकि ये सवाल कहने को तो ईश्वर को संबोधित हैं, पर वास्तव में सामाजिक कुरीतियों पर समाज को अप्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है। नंबर एक, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते? ये ईश्वर से सवाल है कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? अगला है, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? अगला है, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा सवाल है कि क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा सवाल है, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? ये सवाल ईश्वर से डायरेक्ट हो रहे हैं। सातवां सवाल है, क्या तुम कमज़ोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को रोक नहीं पाते? आठवां सवाल है, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपया का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल है कि क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ सुन नहीं पाते? दसवां है, क्या तुम अंधे हो जो रोज़ अपराध होते हुए भी देख नहीं पाते? तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज़ धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं? क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? अगला है, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? अगला है, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? और अंतिम सवाल बहुत ही सुंदर है कि क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते रहते हैं? ये 15 सवाल जो कि रामास्वामी नायकर ने
ईश्वर से पूछे हैं, जिसका जवाब आज तक कोई पाखंडवादी नहीं दे सका है, जिसका जवाब अगर कोई देता भी है तो उल्टे सीधे सवालों में जवाब देता है। दोस्तों, पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में किसी दिन हम और ही डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे, तो इस वीडियो को गुजारिश करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों में शेयर करिए, जिससे जानकारी अन्य लोगों में भी प्रचारित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।